नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। मैं मयंक रंजन। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर शहर के जय स्तंभ चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक अद्भुत प्रदर्शन हो रहा है। आइए हम इन्हीं से जाने कि किन मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आपका धरना हो रहा है? यहाँ के जो महापौर हैं माननीय एजाज डेबर जी, जिस प्रकार उन्होंने शहर को गड्ढापुर में तब्दील कर दिया है और 5 महीनों से गड्ढे खुले हुए हैं, अस्पतालों में मरीज भरने का ये जो योजना चलाया जा रहा है महापौर जी द्वारा, उसके लिए आज युवा मोर्चा रायपुर शहर द्वारा यमराज प्रतिरूपी लोगों को रख के ये बताया जा रहा है और दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार यहाँ के महापौर और ये कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार इस प्रदेश में और इस शहर में मृत्यु को आमंत्रित कर रही है। आए दिन लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का सिर फूट रहा है, किसी का माथा फूट रहा है। एक प्रतीकात्मक आंदोलन करके हम महापौर को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का महापर्व है, जिसमें सभी गाड़ी से इधर आएंगे जाएंगे। इस प्रकार पूरे शहर में खुले गड्ढे होने से बहुत लोगों का एक्सीडेंट होने की संभावना है। अगर इस प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो केवल और केवल नगर निगम प्रशासन ही उसके लिए जिम्मेदार है और युवा मोर्चा इसके लिए हमेशा लड़ते रहेगा। ये तो कह रहे हैं कि रायपुर सिटी एक स्मार्ट सिटी बन गई है। स्मार्ट सिटी के जो फंड केंद्र से आए थे उसका सारा पैसा डकारने के बाद यही कहा जाएगा, जो गड्ढों को भर नहीं पाए खुद गड्ढा कर दिए। जो भाजपा की पूर्व में सरकार थी, जितने रोड जितनी परियोजनाएं उन्होंने बना के दी थी, अगर उनको ठीक से संयो ही लेते संजो लेते तो ये हालत नहीं होती, ये दुर्दशा नहीं होती शहर की। आज आप जिस मार्ग में निकले, चाहे यहाँ निकले, टाटी बंद का तो हम पिछले 3 साल से सुन रहे हैं कि रोज वहाँ एक्सीडेंट में कितने अनेकों लोगों की जिंदगी जा रही है। पानी गिरता है, आदमी कब गड्ढे में घुस जा रहा है उसको पता नहीं चल रहा, ये स्थिति है। पूरा मानसून इन्होंने गड्ढों में बिता दिया। ऐसे कोई सरकार होती है तो मानसून के पहले जो भी गड्ढे होते हैं उनको भरे जाते हैं ताकि आम जनमानस को हानि ना पहुंचे। और हाल ही में जैसा हमने देखा, अभी आंकड़ों का जो खेल डेंगू के मरीजों में भी इन्होंने किया है, 4 का आंकड़ा दिया है और मेकाहारा में प्रतिदिन 70 मरीज भर्ती हो रहे हैं, प्राइवेट संस्थानों में रोज 50 मरीज भर्ती हो रहे हैं। उसके बावजूद ये नगर निगम प्रशासन सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम और इसको खोदापुर बनाने का हमारे प्रिय रायपुर शहर को कर रही है। जो खोदा गया है एजाज डेबर द्वारा, इसी के मुद्दे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा यहाँ धरना प्रदर्शन करी है। तो ये तो कह रहे रायपुर सिटी स्मार्ट सिटी बन गई है। कोई स्मार्ट सिटी नहीं, आप देखिए ना, सामने में गड्ढा है, यहाँ पर कहाँ का स्मार्ट सिटी है। लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, जख्मे आ रही लोगों को। एक महिला गड्ढे में गिरी है, उसको चोटें आई है और वो अभी हॉस्पिटल में कोमा में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता महापौर एजाज डेबर के विरोध में और रायपुर शहर के सभापति या महापौर के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्होंने गड्ढापुर बना दिया है। हमारे बीच और भी लोग यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि किस मुद्दों पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मुद्दों के लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरा शहर राजधानी के नाम से बदल के आज खोदापुर हो चुका है। पूरे शहर को एजाज डेबर और भूपेश बघेल ने खोद के रख दिया है। आम जनता उसमें रोज गिर रही है, मर रही है, हाथ टूट रहा है, सर फूट रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार को, यहाँ के महापौर को इसकी कोई चिंता नहीं है। उसीलिए एक व्यंगात्मक विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया गया है। आम नागरिकों को बताया जा रहा है कि आपकी जान आपके हाथ में, यहाँ की सरकार हाथ खड़े कर चुकी है, उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी आज विरोध कर रही है। ये तो कह रहे हैं हर गली हर वार्ड में हम रास्ता बना रहे हैं, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं तालाबों की। मेरा महापौर को खुला बोलना है कि एक बार आप चलिए और दिखाइए रोड सौंदर्यीकरण। स्मार्ट सिटी का 10 ठोक लाइट लगा देने से सौंदर्यीकरण होता है क्या? तालाब सफाई कितनी हो सकती है? देखिए महादेव घाट की जो नदी है उसको देखिए, और नहीं है तो महापौर जी मैं आपको कल सवेरे लेके चलने को तैयार हूँ। कहाँ कहाँ पे सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है वो आप मेरे साथ चलिए और फिर बताइए। यमराज बना हूँ और बनने का आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे पूरे रायपुर की सड़कों को एजाज ढेबर जी महापौर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहाँ के तीनों विधायक द्वारा पूरा खोद दिया गया है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ खुदा ना हो। इसी के विरोध में हमारे युवा मोर्चा की टीम के द्वारा विरोध किया गया कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है, ये भैरी सरकार है, सिर्फ ये दारू बेचती है और कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला करती है, कभी विकास नहीं करेगी। और ये महापौर जी बोलते हैं कि मैंने स्मार्ट सिटी बनाया है, स्मार्ट सिटी राजधानी बनाऊंगा, ये सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया था कि यमराज बनकर हमें लोगों को बताना है, समझाना है कि भाई थोड़ा देख के चलना, तुम्हारी जान
बहुत कीमती है तुम्हारे परिवार के लिए, इसीलिए हम यमराज बनकर निकले थे। और मेरे साथ मेरे साथी चित्रगुप्त भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनके पास पूरा बही खाता है रायपुर का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये यमराज बने चित्रगुप्त जी, क्या हिसाब किताब है आपके पास इस खोदापुर में? इस खोदापुर में हजारों की संख्या में जो एक्सीडेंट हुए, लोगों को जो छोटे मोटे चोट आई, उसके साथ साथ मृत्यु के भी आंकड़े मेरे पास है, जो इस गड्ढों के वजह से हो रही है। और महापौर को इस शहर की जनता से कोई सरोकार नहीं, वो अपने कमीशन के काम में व्यस्त हैं, वो अपने ठेकेदारों में मस्त हैं। इसलिए युवा मोर्चा रायपुर जिला द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ उनको यहाँ शहर की जनता को बताने के लिए कि ये महापौर और प्रदेश की सरकार आपके जान से कोई उनका सरोकार नहीं, आप अपने जान की चिंता स्वयं करें और संभल कर रहे, सुरक्षित रहे। चार साल में मैंने रायपुर शहर की किसी सड़क पे ये नहीं देखा कि कहीं डामरीकरण हुआ हो या कहीं कंक्रीटीकरण हुआ हो। आज पूरे रायपुर शहर में जहाँ देखो वहाँ पे गड्ढा है। हम लोग तो कई बार मजाक में हमारे मित्र लोग हमको पूछते हैं कि यार तुम्हारे एजाज ढेवर से किसी ने पूछा कि खुदा कहाँ है, उनसे मेयर से किसी ने पूछा खुदा कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि खुदा तो हर जगह है, रायपुर में जहाँ देखोगे वहीं खुदा है। तो ये स्थिति है, वो उनका जो एम है, सिर्फ एम का मतलब मनी, मनी से उनका मतलब है और बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की सोच ये है कि जम कर भ्रष्टाचार करो, जम करके जनता को लूटो चूसो, और जब चुनाव आए तो शराब के माध्यम से पैसे बांट करके, साड़ी बांट करके, लिफाफे बांट करके किसी भी प्रकार हम सरकार में आ जाते हैं। ये उनकी सोच है और इसी के तहत उनका ध्यान रायपुर शहर के विकास पे नहीं है। अगर रायपुर शहर के विकास की तरफ ध्यान होता तो मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रल की गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना पैसा छत्तीसगढ़ के इस रायपुर शहर को दिया, आपको लगता है क्या कि कहीं भी उस प्रकार से हम अपने रायपुर शहर को देख रहे हैं? आज आपको मैं फ्लैशबैक पे ले जाना चाहता हूँ, मात्र आप 4.5 साल पहले का रायपुर सोचिए, अपने इमेजिंग करिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए कि आज से 4.5 साल पहले का रायपुर कैसा था। चमचमाती सड़कें, चमचमाती लाइट, चमचमाता शहर, डिवाइडर से लेकर सड़क, हर कुछ चारों तरफ। परंतु आज ट्रैफिक के नाम पर पूरी तरह से कोई रोड ऐसी नहीं है रायपुर शहर की जहाँ पे जाम ना लगता हो, कोई चौक ट्रैफिक सेंस तो खत्म करके रख दिया। आज आपको मित्रों चौक चौराहों पे ना ट्रैफिक वाले नजर आते हैं, ना पुलिस वाले नजर आते हैं, ये जो लगे हुए हैं ना आपके जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, सिग्नल लगे हैं, आज सब नकारा हो गए हैं। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो बेचारे हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं उनको जाकर के नोटिस आ रही। पर रायपुर शहर का आज हर ऑटो वाला, हर कांग्रेसी, कांग्रेस का समर्थक आज ट्रैफिक को क्रैश कर रहा है, ट्रैफिक को चोक कर रहा है, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई चालान का उनके पास नोटिस नहीं जाती। आखिर क्यों? आज रायपुर शहर के सड़कों में 10-10 से 15-15 फीट दोनों सड़क की तरफ की जो चौड़ाई है कम हो गई है। कभी महापौर ने सोचा कि ये चौड़ाई क्यों कम हुई है? क्योंकि उन्हें जिस प्रकार से अपने वालों को, जिस प्रकार से उन्होंने अपने समर्थकों को, जिस प्रकार से उन्होंने बैरनाथ पारा, संजय नगर, संतोषी नगर वाले लोगों को जिस ढंग से उन्होंने अपना बड़ा हस्त प्रदान किया, बैरनाथ पारा कोरोना में भी खुला रहता है, होटलें वहाँ की कोरोना में भी खुली रहती हैं, पुलिस वाले जाकर के बाकी गरीबों के यहाँ जाकर के उनको रोकते हैं, उनकी दुकानें उनको चालान करते हैं, उनके ऊपर फाइन ठोकते हैं, परंतु बैरनाथ पारा में मित्रों कहीं कोई चालान नहीं होता, कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होती। ये आखिर क्यों? कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भूपेश बघेल का बरदहस्त जो जग जाहिर है इनके ऊपर है, और उसी का लाभ उठा करके पूरी रायपुर शहर को सत्यानाश